जहां एक और आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है और पर्यटकों की हर सुविधा का ध्यान रखते हुए पर्यटन स्थल को अधिक से अधिक विकसित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू विदेशी पर्यटकों के लिए मानो तरस रहा है। राजस्थान का शिमला कहे जाने वाला माउंट आबू में विदेशी पर्यटकों के आने की संख्या ना के बराबर है। माउंट आबू स्थित प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूर्णतया रोक लगी है और यही कारण है कि विदेशी पर्यटकों को ये मंदिर अधिक आकर्षित नहीं कर पा रहा, जिसका प्रभाव माउंट आबू में विदेशी पर्यटकों की संख्या पर भी पड़ रहा है। यहाँ पिछले कई वर्षों से इस मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी रोक लगी हुई है। तो माउंट आबू राजस्थान का एक मात्र पर्यटन स्थल है जहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट मोर देन 20 लाख 20 लाख से ज्यादा आता है और विदेशी पर्यटक की बात करें तो हमारे यहाँ बिल्कुल शून्य के बराबर है। क्यों? पहले माउंट आबू में विदेशी टूरिस्ट खूब आता था, परंतु माउंट आबू के अंदर जब से देलवाड़ा के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बंद हुई है तब से टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट आना बिल्कुल बंद हो गया है। न इस ओर न तो स्थानीय प्रशासन ध्यान दे रहा है न राज्य सरकार ध्यान दे रही है। वहीं माउंट आबू के नजदीक में किसी भी हवाई मार्ग से नहीं जुड़ने के कारण भी यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी है। यहां से सबसे नजदीक हवाई अड्डों में उदयपुर और अहमदाबाद का हवाई अड्डा है। माउंट आबू से उदयपुर हवाई एयरपोर्ट की दूरी करीब 170 किलोमीटर और अहमदाबाद स्थित एयरपोर्ट की दूरी करीब 225 किलोमीटर है, जिसके कारण एयरपोर्ट दूर होने के कारण यहां विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में यहां नहीं पहुंच पाते हैं। कि विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा हमारे यहां पर बहुत ज्यादा कम है और उसका कारण मुख्य नजर ये आता है कि विश्व प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर है और वहाँ पर लंबे अरसे से वहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बंद कर दी है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। आबू पर्वत में पिछले कुछ वर्षों से विदेशी पर्यटकों का आवागमन बिल्कुल बंद हो गया है, जो कि आबू के व्यवसाय के लिए, आबू के पर्यटन उद्योग के लिए खतरे की घंटी है। अगर सरकार और पर्यटन विभाग माउंट आबू की ओर ध्यान दे तो यहाँ विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सकता है, जिसका सीधा सीधा असर यहाँ के पर्यटन व्यवसाय के साथ सरकारी आमदनी पर भी पड़ेगा। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले कई सालों में जो विदेशी पर्यटक था उनका आंकड़ा यहाँ पर गिरता हुआ अब शून्य के लगभग यहाँ पर पहुंच चुका है। कारण है कि जो देलवाड़ा का जैन मंदिर है वहाँ पर वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी पूर्णतः बंद है, जिसके चलते जो लोकल पर्यटक हैं और चाहे कहें विदेशी पर्यटक हैं, उनका रुझान माउंट आबू के प्रति कम होता हुआ नजर आ रहा है।